हेलो दोस्तों, आज हम सूरदास के पद इस पाठ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, पहला है कृष्ण की, दूसरा है गोपियों की, तीसरा है मित्र की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कृष्ण की। सेकेंड हमारा प्रश्न है, गोपियाँ किसके प्रेम में आशक्त हो गई हैं, उद्धव के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में, संगीत में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन खै, कृष्ण प्रेम में। तीसरा प्रश्न है, गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं, द्वेष की, क्रोध की, प्रेम की, या घृणा की। तो सही जवाब है प्रेम की। गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं, इसका ऑप्शन है डरपोक, निर्बल, अबला, या साहसी। तो इसका सही जवाब है वह अपने आप को अबला समझती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है। तो इसके ऑप्शन है भक्तों को, उद्धव को, गोपियों को, और यशोदा को। तो इसका सही जवाब है गोपियों को। प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 6 की बात चल रही है। इसमें पहला ऑप्शन है उदार, दूसरा ऑप्शन है छलपूर्ण, तीसरा ऑप्शन है निष्ठुर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है छलपूर्ण, यानी कि धोखेबाजी से परिपूर्ण उन्हें बिहेव लग रहा है कृष्ण का। प्रश्न है, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है, चतुर, निर्दयी, घमंडी, या भोला। तो इसका सही जवाब है भोला, गोपियाँ अपने आप को भोली बताती हैं। प्रश्न है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। इसके ऑप्शन हैं ब्रज, द्वारका, मथुरा, या वृंदावन। तो वह मथुरा गए थे, यह इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, कृष्ण का योग संदेश लेकर के कौन आया था, उद्धव, बलराम, सेवक, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है उद्धव जी आए थे कृष्ण का संदेश लेकर के। प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है, पीपल के, कमल के, केला के, या नीम के। तो प्रश्न के अनुसार सही जवाब है कमल के पत्तों से उनकी तुलना की गई है। प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसके ऑप्शन हैं गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने, या कृष्ण ने। तो सही जवाब है कृष्ण ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। प्रश्न है, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं। प्रश्न 12, तो इसके ऑप्शन हैं उद्धव, गोपियाँ, राधा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उद्धव, उनकी संगति में, कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम रस में वो पागित नहीं हुए थे, यानी उनके प्रेम से अछूते रहे थे। प्रश्न 13 है, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है, कोयल की, मोर की, हारिल की, या चकोर की। तो यहाँ पर हारिल पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है, जो पाँव में अपने लकड़ी पकड़े रहता है उससे तुलना की गई है गोपियों की। प्रश्न 14 है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर के आए थे। ऑप्शन 1 है प्रेम संदेश, 2nd ऑप्शन है अनुराग संदेश, 3rd ऑप्शन है योग संदेश, 4th ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है योग संदेश। आप सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स तैयार कर सकते हो, या आप कॉपी में इन्हें लिख करके अपने अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि अधिकांशतया पेपर अब की बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर ही निर्भर रहेगा, CBSE के नए सिलेबस के अनुसार, नए करिकुलम के अनुसार। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।